हेलो फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, याद है आप लोगों को बचपन के वो दिन जब हम अपने पेरेंट्स से जिद किया करते थे जू घूमने ले जाने के लिए। सो बस उसी यादों को ताजा करने के लिए आज आ गए हम जू। सो फ्रेंड्स, ये हम आ गए हैं जू, दिल्ली जूलॉजिकल पार्क। सो अभी हमारी एंट्री हो चुकी है और एंट्री सिर्फ ऑनलाइन ही होगी। आपको ऑफलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है, ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। एंड यहाँ फ्लावर्स, खाने की कुछ चीजें या फिर सीक्रेट कुछ भी अलाउड नहीं है। आप कुछ भी लेके नहीं आ सकते, स्ट्रिक्टली मतलब मना है। सो ये चेतावनी लिखी हुई है जो कि मैं अभी आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। और नेक्स्ट की ऑनलाइन टिकट का भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आप ऑनलाइन टिकट करके ही आना और टाइम स्लॉट भी सिलेक्ट करके आना, जैसे 8:30 से 12:30 एंड नेक्स्ट स्लॉट है आई थिंक 1:30 बजे से 4:30। सो टाइम स्लॉट सिलेक्ट करके उसके बाद ही आना। सो चलते हैं जू देखते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, स्कूल के बच्चे भी आए हैं जू देखने के लिए सब दौड़ते मस्ती करते हुए। नेशनल जूलॉजिकल पार्क, ओरिजिनली कॉल्ड दिल्ली जू, जो कि 176 एकर्स ऑफ लैंड में फैला हुआ है और इसका इनॉग्रेशन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। सो आप फ्रेंड्स देख पा रहे हो कितने सुंदर सुंदर पंछी है। लायंटेल मकाओ, जो कि वंडरों के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स ये एक पेड़ के बीच में छुप के कुछ खाना खा रहा है, ये पत्तों की वजह से क्लियर दिख नहीं रहा है। सो नेक्स्ट हम देख रहे हैं ब्लैक बक, जिसको इंडियन एंटीलोप भी कहते हैं और ये इंडिया और नेपाल में पाए जाते हैं और इनकी हाइट लगभग 74 से 84 सेंटीमीटर की होती है। सो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो कि कितने मजे से ये ग्रास खा रहे हैं। सो नेक्स्ट इज सांबर। नहीं, ये इडली डोसा वाला सांबर नहीं है, ये सांबर दी डियर है, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। सो नेक्स्ट फ्रेंड्स ये आप देख पा रहे हो कि यहाँ बहुत सारे ईगल्स और वल्चर्स भी है। सो फ्रेंड्स जू का सफर कैसा लग रहा है आप लोगों को? वो भी एंजॉय कर रहे होंगे इतने डिफरेंट तरह के एनिमल्स। तो गाइस आप लोग भी आइए और इस नजारे का लुत्फ उठाइए। यस। सो नेक्स्ट अभी हम जा रहे हैं राइनोसोरस देखने के लिए। सो चलते हैं राइनोसोरस देखते हैं फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंडियन राइनोसोरस, जिसे कि एक सिंह गेंडा भी कहते हैं, जो सिर्फ खाता है और सोता है। ये देखो पानी में डूब के मजे ले रहा है, डूब के सही मजे है। खाओ पियो ऐश करो मित्रो, ओए मित्रो। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट आपके सामने है ये ब्लू एंड येलो मकाओ, जो कि साउथ अमेरिकन पैरेट है और बहुत ही खूबसूरत है। ये भी खा ही रहा है, ये तो स्वीट कॉर्न उड़ा रहा था।
सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपके सामने है मिस्टर बंदर जी, जो कि पिंजरे से भागकर मजे के मजे पी रहे हैं। वाह क्या मजे है, देख रहे हो पूरा बोतल खाली कर गए माजा पी पी के। अब ढूंढ रहे हैं कि दूसरा कहाँ मिलेगा। सो नेक्स्ट इज मार्श क्रोकोडाइल, ये तो मुंह खोल के ही पड़ा हुआ है भाई। मुंह बंद कर ले, मक्खी वक्खी घुस जाएगा। एक ने तो बंद कर ली, दूसरा, अच्छा चलो दूसरे ने भी बंद कर दिया। ये है अफ्रीकन एलिफेंट्स, थोड़ा सा बुढ़ा हो गया लग रहा। सो फ्रेंड्स, लगभग लगभग हमने सब देख लिया है, एलिफेंट हो गया एंड देन क्रोकोडाइल, फिशेस, अब डक, अब स्वान, वो भी देख लिया है। सो अभी मेन रह गया है मेरा देखना कि लायन कहाँ है, एशियन एशियाटिक लायन, जो कि मैं वेट कर रहा हूँ कब से कि कब आएगा। सो वही बचा हुआ है, अभी तक वही नहीं आया। बाकी जू काफी बड़ा है, सो घूमने में आपको टाइम लग जाएगा, लगभग एक घंटा कम से कम मान के चलो, अगर आप स्पीड में भी देखते हो तब भी कम से कम एक घंटा आपको लग ही जाएगा जू पूरा घूम के देखने में फ्रेंड्स। सो देखते हैं, लायन की खोज जरूर चल रही है। फ्रेंड्स फाइनली हमें मिल गया देखने को द एशियाटिक लायन, बट बब्बर सर तो सो रहे हैं, अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। सो दिस इज द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, वाह क्या कैच पकड़ा, देख रहे हो फ्रेंड्स। ये नेक्स्ट उसने उठाया फ्रूट्स, और ये क्या कैच है, वाह awesome। सो नेक्स्ट ये आ गया फ्रेंड्स व्हाइट टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, ये देखो कैसे एक बैठा हुआ है और एक सो रहा है, हस्बैंड वाइफ लग रहे हैं, हस्बैंड निगरानी पे है और वाइफ सो रही है, अरे वाइफ भी जाग गई। तो लास्ट में रहा ये ऑस्ट्रिच, सो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको हमारा जू का सफर। सो आप भी टाइम मिले तो अपने भी बचपन के यादें और अपने बच्चों के वो बचपन की यादें देने के लिए आ जाइएगा जू।